किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मटर जाड़े मौसम की खेती है, यानी ये जाड़ा मतलब अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय इसका मुख्य फसल बाजारों में उपलब्ध होता है। लेकिन इस समय इसका मूल्य भी कम होता है और बहुत बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन आने लगता है। किसानों की चाहत ये होती है हम इसे आगात निकाल दें, जैसे ही जाड़ा शुरू हो, नहीं कि मटर बाजार में आना शुरू हो जाए। जबकि मटर की बुआई का समय ही उचित ये होता है कि जब मौसम ठंडा हो जाए, तब जाके आप इसकी बीज की बुआई करेंगे तो अच्छा अंकुरन होगा, पौधे की पैदावार अच्छी होगी और अच्छा फसल आएगा। अब अगर आगात लेना है, जैसे जब छठ पूजा का समय होता है, उस समय जाड़ा की शुरुआत हो रही होती है और उस समय हम देखते हैं कि मटर बाज़ार में आने लगता है और मटर का मूल्य काफ़ी, मटर छीमी का मूल्य बहुत अधिक उस समय होता है, 100 रुपये, 150 रुपये के जी तक होता है, कभी कहीं 200 रुपये के जी तक कभी छठ के पूजा में बिक जाया करता है। तो हमारे किसानों का अक्सर प्रयास होता है कि क्यों ना हम थोड़े ही समय में खेती, थोड़े ही जगह पे खेती करें, कम मात्रा में ही करें, लेकिन हम अच्छा मूल्य प्राप्त करें और 10 एकड़ की जगह हम 1 एकड़ में ही उतना लाभ कमा लें जो कि 10 गुना मूल्य मिल रहा है या 5 गुना मूल्य मिल रहा है। तो अर्ली ले लेना, यानी मटर अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद या नवंबर के पहले वीक में या अक्टूबर के लास्ट तक निकल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो यही, इसी को हम आगात कहते हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ हम बताते चले किसान भाइयों को। अब जो मुख्य सीजन वाले प्रभेद हैं जिसका उत्पाद बाजार में दिसंबर जनवरी में आता है, उसको अगर हम आगात में लगा देंगे तो आपके खेतों में नहीं चलेगा, जर्मिनेशन भी प्रभावित होगा, अंकुरित हो भी गया तो उसका बढ़वार अच्छे से नहीं होगा, फूल फल अच्छे से नहीं आएंगे। तो आगात के प्रभेद अलग होते हैं, सभी हम लोग जानते हैं। बहुत पुराना प्रभेद एक है आर्केल नाम से, ये आर्केल विदेश से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था और उसी तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ और ये बुआई के 35 दिन आते आते इसमें फूल आता है और 45 से 50 दिन की इसकी मटर की छीमी आ जाती है। तो एक तो आगात का ये फ़ायदा है कि बुआई से फल तोड़ाई या फूल आने की तिथि भी बहुत कम है, 35-36 दिन में फूल आ जाएगा, 45 से 48 दिन, 50 दिन में इसकी पहली तोड़ाई हो जाएगी। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा हुआ कि ये गर्मी है, यानी आप 15 सितंबर के बाद खेतों में लगा देंगे, रांची के कंडीशन में जहाँ पठारी इलाका जो हमारा है, तो अंकुरित हो जाएगा और वातावरण में तापमान ज़्यादा है फिर भी इसके फसल बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। जबकि मुख्य सीजन वाले को लगाएंगे तो नहीं होगा। तो आर्केल बहुत अच्छा प्रभेद है। फिर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र जो वाराणसी में है, वहाँ से काशी नंदिनी, काशी उदय और काशी मुक्ति नाम का प्रभेद है, इसका आप चयन कर सकते हैं। हमारा जो प्लांडू है, ICR रिसर्च सेंटर ईस्टर्न रीजन रांची सेंटर जो प्लांडू में है, यहाँ के भी प्रभेद हैं जिसमें स्वर्ण अमर और स्वर्ण मुक्ता, इस तरह से है, प्रभेदों का आप चयन कर सकते हैं और इसका भी आप कर सकते हैं। बाज़ार में प्राइवेट कंपनी के भी बहुत सारे प्रभेद हैं, बस जब आप खरीदने जाएं तो दुकानदार से ये सुनिश्चित कर लें कि ये आगात प्रभेद है कि नहीं। मुख्य सीजन का प्रभेद को आगात में लगाएंगे तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ये सुनिश्चित करें कि जब आप बुआई कर रहे हैं तो ये मटर बहुत हल्की सिंचाई चाहती है, भारी मिट्टी में अच्छा नहीं होता है, बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मिट्टी में पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक इसको फर्टिलाइजर और कंपोस्ट देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आप सुनिश्चित करें कि आपकी जो ज़मीन है बलवाही दोमट किस्म की है, जल निकासी का उचित प्रबंध हो। अगर आप आगात में लगा रहे हैं तो टाँड वाली ज़मीन टाइप की हो और सिंचाई का साधन हो, ये सबसे उपयुक्त होगा।